ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस ट्रेनर। आज का टॉपिक, एम्प्लॉयज को मोटिवेट कैसे करें, पॉजिटिव ओपन हाई परफॉर्मेंस कल्चर अपनी कंपनी के अंदर कैसे तैयार किया जाए। आज के टॉपिक से पहले एक गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसको जरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कल्चर जादू कर सकता है, दोबारा सुनिए, कम ऑन, क्या कल्चर जादू कर सकता है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होने लगती है, उसके बाद बॉस कंपनी को नहीं चलाता, कंपनी का कल्चर कंपनी को चलाता है। आपकी कंपनी में पैरासाइट ज्यादा पैदा हो रहे हैं या परफॉर्मर ज्यादा पैदा हो रहे हैं? आपकी कंपनी में ड्राइवर ज्यादा पैदा हो रहे हैं या पैसेंजर ज्यादा पैदा हो रहे हैं? दुनिया भर का सर्वे कहता है हर कंपनी के अंदर 80% तो पैसेंजर है, केवल 20% ड्राइवर है। 80% पैरासाइट है जो कंपनी को नोच के खाते हैं और 20% परफॉर्मर्स हैं जो कंपनी को आगे चलाते हैं। अगर आपकी कंपनी का कल्चर शक्तिशाली हुआ तो अपने आप परफॉर्मर्स और पैरासाइट का रेशियो ठीक हो जाएगा। याद रखिए, फिर कह रहा हूं, कल्चर जादू कर सकता है। आज 10 पॉइंट्स बताऊंगा कैसे आपकी टीम आपके बिना, आपकी एब्सेंस में कल्चर के दम पे अच्छा परफॉर्मेंस देगी। पहला पॉइंट, इन्वॉल्व इन डिसीजन, एंगेज इन मिशन एंड रिकॉग्नाइज फॉर सबमिशन। ये बड़ा कमाल का पॉइंट है। जितना लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, इन्वॉल्व इन डिसीजन, इन्वॉल्वमेंट से आदमी जुड़ने लग जाता है आपके साथ। एक बार जुड़ाव हो गया, इन्वॉल्व इन डिसीजन, एंगेज इन मिशन, अब उसको मिशन समझ में आने लग गया। अब कंपनी के मिशन के साथ जुड़ाव हो गया और वो मिशन को समझ रहा है, एकाकी की भावना आ रही है। उसके बाद जैसे वो काम करता है, रिकॉग्नाइज फॉर सबमिशन, उसने जो काम किया आप उसकी तारीफ करें, उसका उत्साह बढ़ाए, जितना जुड़ेगा मजा आएगा। अगर कल्चर बढ़िया हो गया ना, एम्प्लॉई सुबह जल्दी आएगा, शाम को जाना नहीं चाहेगा। और अगर कल्चर खराब है, सुबह आना नहीं चाहेगा, शाम को जल्दी भाग जाएगा। अब छोटे छोटे पॉइंट्स दूंगा। दूसरा मेरा पॉइंट है, ऑसम वेलकम फॉर अ न्यू हायर। जब आपकी कंपनी में कोई नया आदमी आता है ना, उसको ऐसा एक्साइटमेंट का वेलकम दे दो, ऐसा एनर्जी बिल्ड कर दो। देखिए एक बात, If you want to achieve your dream, start investing in your team. तो नए आदमी का ऐसा स्वागत करिए कि जिंदगी भर के लिए उसकी मेमोरी बन जाए। तीसरा पॉइंट है, आइडिया बोर्ड, सजेशन बोर्ड। इससे थोड़ा सा ना कल्चर कंपनी के अंदर ओपन होने लगेगा। लोगों को थोड़ा आइडियाज देने दो, सजेशंस देने दो। जब ज्यादा आइडिया, ज्यादा सजेशन आएंगे, लोग इन्वॉल्व फील करेंगे। क्योंकि देख, कहीं क्या लाला लोगों में तकलीफ क्या है, वो अपनी टीम को बोलते हैं, ए तेरे को जितना बताया उतना कर, दिमाग मत चला। और आप क्या कर रहे हैं, आप कंपनी में इनिशिएटिव घटा रहे हैं, ओनरशिप की भावना घटा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इच्छा घटा रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, ढक्कन लगा रहे हैं, तेरे को जितना बताया उतना कर। उसकी बजाय आइडिया बॉक्स, सजेशन बॉक्स। हो सकता है आपको आइडियाज काम के मिले ना मिले, सजेशन काम के मिले ना मिले, लेकिन लोग इन्वॉल्व होंगे, कल्चर ओपन हो जाएगा। चौथा पॉइंट है, टाउन हॉल मीटिंग अबाउट विजन एंड मिशन। इसका क्या मतलब हुआ, आपकी अगर टीम का साइज बढ़ रहा है तो टाइम टू टाइम अपनी टीम के साथ इकट्ठे बिठा के एक टाउन हॉल मीटिंग लीजिए और उसके अंदर अपनी कंपनी का विजन और कंपनी का मिशन, कंपनी की डायरेक्शन और उसकी स्ट्रैटेजी लोगों को बताना शुरू करिए। क्योंकि पहला पॉइंट बताते हैं ना, देखिए जब इन्वॉल्वमेंट होता है, लोगों को जानकारी होती है, वो ज्यादा एंगेज्ड होते हैं। उनको विजन और मिशन, एक कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी दीजिए जिससे वो इमोशनली कनेक्ट हो सके आपके साथ में। उससे क्या होगा, अगर उनको बताओ नहीं ना कंपनी क्या कर रही है, अकेले कमरे में चुपचाप मीटिंग करो, अकेले कमरे में अकेले में मीटिंग करो, उनको कुछ मत बताओ, तो लोगों को लगता है उनके खिलाफ साजिश हो रही है। क्या लगता है, ए मेरे को कुछ बता नहीं रहे, मेरे को बाहर रखा हुआ है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है लग रहा है अंदर, लोग अज्यूम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए टाउन हॉल मीटिंग से कल्चर ओपन उठता है। और इससे जो छोटी मोटी नेगेटिविटी होती है ना, कई एम्प्लॉय होते हैं, इनको बोलते हैं किलकिल एम्प्लॉय। कम ऑन, क्या बोलते हैं, किलकिल या कुरकुर एम्प्लॉय। ये हर समय किलकिल करते हैं, ये डैम इट इफ यू डू, डैम इट इफ यू डोंट। इनके लिए अच्छा करो तो भी किलकिल किलकिल, इनके लिए बुरा करो तो भी किलकिल किलकिल, ये हमेशा दुखी रहते हैं, ये होते हैं पैरासाइट। तो जब आप ओपन मीटिंग्स करते हैं, सबके साथ करते हैं, लोगों को विजन समझ आता है, मिशन समझ आता है, ढक्कन खुलते हैं, पुरानी कई चीजें ऐसी जो उनके मन में नेगेटिविटी थी, आपने स्टेज से खड़े होके, आपने कॉन्फ्रेंस रूम में, बोर्ड रूम में सबके सामने खड़े होके बातों बातों में वो सारी चीजों को एड्रेस कर दिया, तो लोगों को समझ में आने लगता है, अरे मैं तो गलत सोच रहा था यार। तो इससे एम्प्लॉइज कनेक्ट होते हैं। फिर भी कई बार नेगेटिविटी रह जाएंगी क्योंकि वो किसी एक जूनियर बॉस के साथ या अपने किसी मैनेजर के साथ बहुत दिखी था। तो अगला पॉइंट है स्किप मीटिंग। ये स्किप मीटिंग क्या होता है, कई बार बहुत जूनियर एक डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारे जूनियर एम्प्लॉई हैं, आप उनसे कभी मिले ही नहीं। कभी कभी क्या करिए, उनके मैनेजर को हटा के, ये आप हैं,
ये उनका मैनेजर है और ये वो सारे एम्प्लॉई हैं, तो आप इनके मैनेजर को साइड करके उसका कॉन्फिडेंस लेके सीधा स्किप मीटिंग पूरी टीम के साथ करिए, ताकि लोग थोड़ा फील करें कि बॉस यार जो सुपर बॉस है कंपनी का हमारे बारे में भी सोचता है। स्किप मीटिंग में कभी कभार कोई ऐसी नेगेटिव छोटी छोटी चीजें हैं जो सिग्नल जो आपको पता लगने चाहिए थे, जो ओपन कल्चर को रोकते हैं टोकते हैं, आपको पता लगेंगे, आप रेक्टिफाई कर पाएंगे। इसका फायदा क्या होगा, एक कंटेंटेड एम्प्लॉई, कंटेंटेड एम्प्लॉई मतलब वो जो तृप्त है, वो जो संतुष्ट है, वो जो बड़ा खुश है, यानी कि एक कंटेंटेड एम्प्लॉई आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है, जिधर जाता है आपकी तारीफ करता है। और ऐसा देखिए, अगर कल्चर नेगेटिव है ना पूरा, तो फिर हर एम्प्लॉई सोचता है इस कंपनी से क्या लूट लूं, इस कंपनी से क्या ले लूं। लेकिन अगर कल्चर पॉजिटिव है, एम्प्लॉई सोचता है इस कंपनी को मैं क्या दे दूं, इसके लिए मैं मिशन में क्या कंट्रीब्यूट कर दूं। अगला पॉइंट, शॉर्ट गेम्स फॉर एम्प्लॉई एंगेजमेंट। शॉर्ट गेम्स फॉर एम्प्लॉई एंगेजमेंट कैसी है, कई छोटी छोटी गेम्स आती हैं, टीम बिल्डिंग गेम्स आती हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गेम्स आती हैं, रोल और गोल क्लैरिटी की गेम्स आती हैं, टीम के साथ स्पीड से सेल्फ मोटिवेटेड रहने की गेम्स आती हैं। ये सारी गेम्स आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी, आप टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, टीम बिल्डिंग वीडियो इन हिंदी इन इंडिया ऐसा डालिए, मेरे भी विवेक बिंद्रा के कई टीम बिल्डिंग वीडियोज हैं, निकाल के छोटी छोटी गेम्स निकाल। गेम्स खिलाने से लोग हंसते हैं, खेलते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और उसकी लर्निंग गोल के साथ कनेक्ट कर दें तो उनको लगता है यार ये लर्निंग तो मैं कंपनी में भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं। इससे कल्चर ओपन होगा, लोग खुश होंगे, साथ में जुड़ेंगे। अगला मेरा पॉइंट है, एंगेज देम इन सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट। देखिए, जो इंसान है वो एक इंसान है, वो इमोशनल ज्यादा है, लॉजिकल कम है। अगर आप उसको इन्वॉल्व करेंगे तो वो उसको परिवार बना लेगा। आपकी कंपनी में भी कहीं सिक्योरिटी गार्ड होगा, आपकी कंपनी में कोई सर्वेंट है, कोई पैंट्री बॉय है, कोई ड्राइवर है, कई ब्लू कॉलर एम्प्लॉई जो बड़े जूनियर लेवल का है, उनको और अपने व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज को जोड़ने का प्रयास करिए। उनके क्या उनके बच्चों को आज आप पढ़ा सकते हैं, क्या उनको ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, क्या उनको कोई कंप्यूटर सिखा सकता है, या उनको कोई इंग्लिश सिखा सकता है, और कुछ नहीं तो आपके घर में दवाइयां बच गई हैं तो सारे एम्प्लॉयज को बोलिए जिसके पास बची हुई दवाइयां घर में वो लेकर के आइए, अगर दवाई ठीक है तो हम बांट सकते हैं आपस में। कई बचे हुए कपड़े हैं, कई अनयूज्ड आइटम्स हैं जो आप दोबारा यूज नहीं करेंगे लेकिन आपके ऑफिस में कोई गरीब आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है, और कुछ नहीं सारी टीम को साथ में लेकर के कुछ पौधे लगा दीजिए। अगला पॉइंट, फैमिली गेट टुगेदर इन ऑफिस और होम। क्या मतलब हुआ, आपके जो एम्प्लॉयज के जो परिवार हैं, या तो उन सबको ऑफिस में बुला लो, या ऑफिस के लोगों को कभी कभी परिवार में ले जाओ, दोनों तरह से तो कर सकते हैं ना। जैसे इंडिविजुअली भी आपके ऑफिस में जो एम्प्लॉयज हैं उनकी शादी होती है, या बड़े सेलिब्रेशन होते हैं, सुख होता है या दुख होता है, उसमें आपको भी जाना चाहिए, अपने साथ और एम्प्लॉयज को भी लेके जाना चाहिए। और मौका भी ढूंढिए कि जब परिवार परिवारों से जुड़ते हैं तो कंपनी एक कम्युनिटी बन जाती है, और कंपनी जब एक कम्युनिटी बढ़ती है तो लोग मिलकर साथ चलना चाहते हैं, इन्वॉल्व फील करते हैं। बीवी भी कहती है यार कंपनी तो अच्छी है तुम्हारी, कहां तुम छोड़ने के चक्कर में हो, तो एम्प्लॉय टिकता है, रुकता है। और ऐसा खुश एम्प्लॉय अपने रोल्स पे भी ध्यान लगाता है और अपने गोल्स पे भी ध्यान लगाता है। रोल मतलब उसका रोल, और गोल मतलब लगभग तीन तो गोल्स होते ही हैं, तो वो रोल भी क्लियर कर लेता है, अपना गोल भी क्लियर कर लेता है। और देखिए, जब एम्प्लॉय खुश है तो आपके कस्टमर को खुश रखेगा, अगर एम्प्लॉय ना खुश है तो आपके कस्टमर को कभी खुश नहीं रखेगा। नेक्स्ट है, सेलिब्रेट पर्सनलाइज्ड स्पेशल ओकेशन, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो मैरिज एनिवर्सरी हो, या वर्क एनिवर्सरी हो। ये क्या, ये पर्सनल सेलिब्रेशन है। आपके जितने भी महत्वपूर्ण एम्प्लॉयज या कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज, एक कोई तरीका ऐसा बनाइए जिसमें हर आदमी का उसका बर्थडे, उसका मैरिज एनिवर्सरी और उसका वर्क एनिवर्सरी, मतलब जब उसको एक साल पूरा हो गया आपकी कंपनी के अंदर, दो साल पूरे हो गए कंपनी में, तीन साल पूरे हो गए। देखिए, एक बात बताएं, योर एम्प्लॉयज आर योर फर्स्ट कस्टमर, ट्रीट देम वेल। एक बार और, कम ऑन, आपके एम्प्लॉयज ही आपके पहले कस्टमर है। आप अपने बेस्ट कस्टमर से कैसे बिहेव करते हैं, बस ये याद कर लीजिए, बड़ी रियलाइजेशन वाली बात है। जो आपका सबसे महत्वपूर्ण कस्टमर, आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, आप उसको उसके बर्थडे पे कैसे विश करते हैं, आप उससे अगर आपने वैसा ही बिहेव, अपना बिहेवियर अपने एम्प्लॉयज के प्रति कर दिया, पूरा गेम चेंज। इसलिए मैं कह रहा था इसका टॉपिक है कल्चर जादू कर सकता है। अगला पॉइंट, मेंटर मेंटी और रेगुलर ट्रेनिंग। ये बड़ी कमाल की चीज है, इसको आप इंप्लीमेंट तुरंत कर सकते हैं। आपकी कंपनी में कुछ लोग एक्सपर्ट हैं और कुछ नए हैं, जो एक्सपर्ट है उनको मेंटर बना दो, नए को मेंटी बना दो, ट्रेनर ट्रेनी, इस प्रकार की रिलेशनशिप तैयार करिए। एक ट्रेनिंग का कल्चर लेकर के आइए अपनी कंपनी के अंदर। जब कल्चर सॉलिड हो जाएगा ना, लोग सफलता को सर में नहीं चढ़ने देते, असफलता को दिल में नहीं उतरने देते हैं। दोबारा सुनिए, कल्चर जादू कर सकता है। सफलता सर में चढ़ती नहीं है, असफलता दिल में उतरती नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो ट्रेनिंग मेंटर मेंटी कल्चर आप शुरू करने वाले हैं, आप पहले अपने ऊपर लीजिए। क्या आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, मेरे लीडरशिप फनल के बारे में आज तक खाली देखा है या बोर्ड लाइन नंबर पर फोन भी किया है? आप एक फोन तो लगाइए,
बात करिए, अगर आपने आज तक फोन नहीं किया क्या जाता है, यही नंबर है 9810544443। फोन लगा के पता लगाइए कि क्या लीडरशिप फनल आपकी किस प्रकार से काउंसलर से पूछिए, मदद करेगा आपकी। और अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप अपने बॉसेस को ये वीडियो जरूर दिखाइए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो से इंस्पायर्ड होके वो भी कंपनी के कल्चर को चेंज करके हाई परफॉर्मेंस बिल्ड कर दें। अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहेंगे एंटरप्रेन्योर्स को, मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के फ्री वीडियोस को शेयर करने में लगता कुछ नहीं और किसी को आइडियाज अच्छे आ जाए, कंपनी बदल जाती है। तो लीडरशिप फनल के लिए यह नंबर है और बाउंस बैक सीरीज 4 घंटे के लिए यह नंबर है। लाइक करिए अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मेरा उत्साह बढ़ जाता। अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियो आपसे हमेशा मिस हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, बेबाकी से लिखिए, आपका नाम कोई नहीं पढ़ पाता लेकिन आपके हर क्वेश्चन को आके पढ़ने का प्रयास करता हूं। सभी क्वेश्चन पे मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता चला जा रहा हूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल पे वीडियोस को वापस आके देखने के लिए हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।